हेलो फ्रेंड्स, प्लास्टिक एनालिसिस के लास्ट टू वीडियोस में हमने आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है इसको डिस्कस किया था, जो कि प्लास्टिक थ्योरी का बेस है। प्लास्टिक एनालिसिस हम उस आइडियलाइज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे ही करते हैं। उसके बाद मैंने आपको स्टेजेस ऑफ लोडिंग के बारे में बताया था कि हम जब किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रेजुअली लोड इंक्रीज करते हैं तो उस स्ट्रक्चर के ऊपर तीन स्टेजेस आती हैं, मतलब वो स्ट्रक्चर तीन स्टेजेस ऑफ लोडिंग से गुजरता है कोलैप्स होने के पहले। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि इलास्टिक थ्योरी और प्लास्टिक थ्योरी, मतलब इलास्टिक एनालिसिस और प्लास्टिक एनालिसिस में क्या डिफरेंस होता है उसको भी डिस्कस किया था। अब आज हम इस प्लास्टिक एनालिसिस के थर्ड पार्ट में प्लास्टिक एनालिसिस किस तरह से किया जाता है इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इलास्टिक एनालिसिस करने के लिए तो हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, मतलब हमें पता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के लीनियर रिलेशनशिप में होता है, मतलब जो भी फॉर्मूले आपने ड्राइव किए हैं हुक्स लॉ के बेसिस पे वो सब वैलिड होते हैं इलास्टिक एनालिसिस में। लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस को हम किसी वो जो स्टैंडर्ड पैटर्न है उसके बेसिस पे सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब प्लास्टिक एनालिसिस किस तरह से किया जाता है मैं उसको डिस्कस करता हूँ, और प्लास्टिक एनालिसिस को समझने के लिए मैं आपको कुछ केसेस बताता हूँ, और उन केसेस के बेसिस पे हम प्लास्टिक एनालिसिस समझते हैं कि हम किसी भी स्ट्रक्चर का प्लास्टिक एनालिसिस किस तरह से करते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली कि अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ मेंबर कैरिंग एक्सियल टेंशन, कि अगर किसी मेंबर के ऊपर एक्सियल डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसकी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब वो स्ट्रक्चर कोलैप्स होने के पहले कितना लोड लेगा मुझे ये बताना है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट केस लिखता हूँ। फर्स्ट केस में मैंने बोला सिंगल मेंबर कैरिंग एक्सियल टेंशन, कि एक मेंबर कंसीडर किया और उसके ऊपर आपने एक्सियल डायरेक्शन में टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, तो फिर क्या होगा? जब हम किसी मेंबर के ऊपर फोर्स को अप्लाई करते हैं और उसको इंक्रीज करते हैं तो फिर उसके अंदर कुछ स्ट्रेस आएगी, और उस स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? फोर्स पी अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। कि किसी भी सेक्शन पे मुझे अगर स्ट्रेस कैलकुलेट करनी है तो जो अप्लाइड फोर्स है वो पी, और उस क्रॉस सेक्शन पे जो एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया उसे डिवाइड कर दीजिए तो आपको इस फोर्स के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस मिल जाएगी। आओ, अब फोर्स के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस तो मिल गई, अब आपको अगर उसके अंदर इलॉन्गेशन देखना है कि इस बार के अंदर कितना इलॉन्गेशन हुआ, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने लिखा इलॉन्गेशन ऑफ द बार। स्ट्रेस को अगर मैं ई से डिवाइड कर दूं तो स्ट्रेन मिल जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा चेंज इन लेंथ जिसे डेल्टा बोला, और ये फोर्स अपॉन ई ये स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर दिया, ई से डिवाइड किया तो स्ट्रेन हो गया, एल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। मतलब सीधी सी बात ये है कि इस बार के अंदर इस लोड पी के करस्पॉन्डिंग जो इलॉन्गेशन होगा वो ये होगा, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? अब हम लोड को इंक्रीज करते हैं। जब लोड को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? देखिए, मुझे ये पता है कि जब लोड को इंक्रीज करोगे एक्सियल डायरेक्शन में आपने टेंसाइल फोर्स लगाया है तो फिर इस क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, मतलब इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे जो स्ट्रेस है वो सेम है। मतलब जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करोगे तो हर पॉइंट पे उस सेक्शन के स्ट्रेस की वैल्यू सेम होगी। ठीक, तो मैंने इसीलिए लिखा यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड डिफ्लेक्शन विल बी इलास्टिक अंटिल द यील्ड पॉइंट इज रीच्ड, कि जब तक यील्ड पॉइंट नहीं होता, यील्ड पॉइंट नहीं आता, तब तक के लोड और डिफ्लेक्शन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप होती है। ठीक है, लीनियर रिलेशनशिप होने का मतलब है कि आप जितना लोड बढ़ाओगे उतना ही उसके अंदर इलॉन्गेशन होगा, ठीक, डिफ्लेक्शन होगा। अब और जैसे ही लोड की वैल्यू पी वाई के बराबर होगी, मतलब यील्ड लोड पे पहुंचोगे, वहां पे जो स्ट्रेस होगी वो यील्ड स्ट्रेस कहलाएगी। ठीक, और यील्ड स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन है वो कितना होगा वो मैंने यहाँ पे लिखा इलॉन्गेशन ऑफ बार डेल्टा इज इक्वल टू यील्ड लोड लिखा यहाँ पे पी वाई इंटू एल अपॉन ए। तो ये जो फॉर्मूला है ये इस यील्ड लोड के करस्पॉन्डिंग इलॉन्गेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब जब यील्ड लोड आया
ठीक, ईल्ड लोड आपने लोड लगाते लगाते जब ईल्ड लोड पे आ गया, उसके बाद ये मेंबर कोई लोड लेगा कि नहीं लेगा उसकी बात और करते हैं। तो देखिए, जब इस क्रॉस सेक्शन के हर पॉइंट पे स्ट्रेस की वैल्यू ईल्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई तो हमने बोल दिया कि वो सेक्शन फुल्ली प्लास्टिसाइज हो गया। और अगर सेक्शन फुल्ली प्लास्टिसाइज हो गया मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। और इसीलिए मैंने इस केस के लिए लिखा कि सिंस द स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म एट द क्रॉस सेक्शन, अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो विल सेट अप। ठीक, क्योंकि उस क्रॉस सेक्शन पे हर पॉइंट पे स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इस केस के लिए पी यू की वैल्यू मतलब अल्टीमेट लोड की वैल्यू पी वाई के बराबर ही हो जाएगी, मतलब अल्टीमेट लोड और यील्ड लोड सेम हो जाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे इस ग्राफ से भी बताने की कोशिश की, ये जो ग्राफ है ये लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन के बीच में ग्राफ है। ठीक, वाई एक्सिस पर मैंने लोड लिया, इधर डिफ्लेक्शन लिया एक्स एक्सिस पर, और जैसे जैसे लोड इंक्रीज किया वैसे वैसे डिफ्लेक्शन की वैल्यू इंक्रीज हुई। और जब 1.5% इलोंगेशन हुआ इस बार के अंदर तो जो लोड की वैल्यू है वो पी वाई के बराबर हो गई। और मैंने कहा कि जैसे ही लोड यील्ड लोड के बराबर हुआ तो उस पे जो मतलब उस पॉइंट पे अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, मैंने इस कर्व को लिखा, इस लाइन को लिखा अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो, और इसीलिए ये जो पी वाई की वैल्यू है इसे मैंने पी यू के बराबर बोल दिया। देखिए, यहाँ पे लिखा भी है कि अल्टीमेट लोड पी यू इज इक्वल टू पी वाई विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए, कि पी वाई के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी वो सिग्मा वाई होगी, इंटू ए से कर दीजिए मल्टीप्लाई तो आपको पी वाई मिल जाएगा। क्लियर? अब ये पी यू कितना होगा, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि पी यू इज द मैक्सिमम लोड द स्ट्रक्चर विल कैरी विदाउट द ऑनसेट ऑफ द अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो, कि प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट होने के जस्ट पहले जो मैक्सिमम लोड स्ट्रक्चर ले सकता है वो है पी यू। मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट होने के जस्ट पहले जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है स्ट्रक्चर की वो है पी यू। ठीक, क्योंकि पी यू जैसे क्रॉस होगा या पी यू पे जैसे पहुंचोगे तो अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसीलिए देखिए मैंने यहाँ पे लिखा द बार डज नॉट रिमेन स्ट्रक्चरली यूजफुल आफ्टर द यील्ड पॉइंट, कि ये जो बार है ये स्ट्रक्चरली यूजफुल नहीं होती यील्ड पॉइंट के बाद, क्योंकि जैसे यील्ड आता है उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि पी यू जो है पी वाई जो है पी यू के बराबर हो गया और अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? अब हम केस टू में थ्री पैरेलल बार स्ट्रक्चर का एनालिसिस और करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये एक थ्री पैरेलल बार सिस्टम ड्रॉ किया, यहाँ पे जो एंड्स पे बार हैं उनकी लेंथ एल है और जो मिडिल बार है उसकी लेंथ मैंने के एल बोल दिया। ठीक, के इज लेस देन वन होगा, क्यों? क्योंकि इसकी हाइट एंड पे जो बार्स हैं उससे कम है, मीन्स के इज लेस देन वन। अब इस सिस्टम के ऊपर जब आप एक लोड अप्लाई करते हैं, ठीक, मैंने यहाँ पे लोड पी अप्लाई किया, तो फिर ये दोनों एंड्स पे जो बार हैं वो कुछ लोड लेंगी और सेंटर वाली जो बार है वो भी कुछ लोड लेगी। तो मैंने कहा कि जो सेंटर बार है वो लोड पी टू लेती है, ठीक, इस बार को मैंने टू बोल दिया, और जो एंड्स पे बार हैं वो लोड पी वन लेती है। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं सेंटर्स। क्लियर? अब शुरुआत करते हैं, जब इसके ऊपर हम ग्रेजुअली लोड इंक्रीज करते हैं तो पहले इलास्टिक स्टेज आएगी और उसके बाद प्लास्टिक स्टेज आएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका इलास्टिक एनालिसिस करता हूँ। तो इस केस को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहले इलास्टिक एनालिसिस की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कंसीडर द इलास्टिक स्टेज फर्स्ट। अब यहाँ पे हम ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, तो आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको बताता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने कहा इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या होगी, P इज इक्वल टू 2P1 प्लस P2। जो लोड आपने अप्लाई किया वो कौन रजिस्ट करेगा, वो ये तीनों रॉड मिलके लेंगी वो, तो मैंने बोला 2P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन के बेसिस पे आपने एक इक्वेशन बना ली। अब
या जो कंपेटिबिलिटी ऑफ डिफ्लेक्शन है उसके बेसिस पे हम एक इक्वेशन और बनाते हैं। तो देखिए स्टेबिलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर क्या होगा कि इस बार के अंदर डिफ्लेक्शन, इस बार के अंदर डिफ्लेक्शन और इस बार के अंदर, मतलब तीनों बार के अंदर जो डिफ्लेक्शन है मतलब इलोंगेशन है वो सेम होगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि इस बार के अंदर इलोंगेशन कितना होगा, स्ट्रेस बाय ई स्ट्रेन हो गया, ठीक, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको चेंज इन लेंथ मिल गया। तो चेंज इन लेंथ इस बार के अंदर जो होगा वो पी वन एल अपॉन ए ई हो गया, और जो मिडिल बार है इसके अंदर जो इलोंगेशन होगा वो पी टू एल अपॉन ए ई होगा, ठीक, एल मतलब इसकी लेंथ, तो यहाँ पे के एल है तो इसलिए मैंने उसको के एल लिख दिया, क्लियर। अब ए ई से ए ई कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से एक सेकेंड इक्वेशन बन गई कि पी वन इज इक्वल टू के पी टू, क्लियर। अब इस इक्वेशन वन और इस इक्वेशन टू को हम सॉल्व करते हैं, तो आप इस पी वन की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। जब इस पी वन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा, पी टू को कॉमन निकाल दीजिए तो बचेगा ब्रैकेट के अंदर क्या, टू के प्लस वन, सो पी टू इज इक्वल टू होगा पी अपॉन टू के प्लस वन, मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व किया तो पी टू की जो वैल्यू आई वो पी अपॉन टू के प्लस वन आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए तो पी वन की वैल्यू आ गई, पी वन इज इक्वल टू के पी अपॉन टू के प्लस वन। अब मुझे पता है कि के इज लेस देन वन, अगर के इज लेस देन वन है मतलब पी टू इज ग्रेटर देन पी वन, ठीक है, मतलब जब हम लोड इस सिस्टम के ऊपर ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो फिर जो मिडिल रॉड है वो कुछ ज़्यादा लोड लेगी इन एंड रॉड्स के कंपैरिजन में, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि हैंस एज लोड पी इज इंक्रीज स्मॉलर रॉड विल यील्ड फर्स्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड पी टू कैन अटेन इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए, मतलब जो सेंट्रल रॉड है उसके अंदर पहले यील्ड आया तो जो वो मैक्सिमम लोड लेगी सेंट्रल रॉड वो कितनी ले पाएगी, वो पी टू इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर ले पाएगा, ठीक है। अब मुझे ये पता है कि जब किसी भी स्ट्रक्चर में किसी पॉइंट पे यील्ड स्ट्रेस आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि वो उस पॉइंट पे इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई, ठीक, या उस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं कि उस स्ट्रक्चर पर जो लोड लग रहा है वो यील्ड लोड के बराबर हो गया। और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि एट द स्टेज व्हेन यील्ड लोड ऑकर्स इन द स्ट्रक्चर, इस केस में वो स्मॉलर रॉड के अंदर आ रहा है, इसीलिए द टोटल लोड पी बिकम्स इक्वल टू द यील्ड लोड पी वाई, क्लियर। मैंने कहा कि इस स्ट्रक्चर के ऊपर जैसे ही किसी पॉइंट पे स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर हुई उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड पी है वो उसे मैंने पी वाई बोल दिया, इसे यील्ड लोड पी वाई बोला, क्लियर। अब हमें पता है कि पी टू इज ग्रेटर देन पी वन है, तो जब पी टू की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर हुई उस टाइम पे ये जो एंड पे बार्स हैं इनके अंदर लोड की वैल्यू P2 से कम होगी, मतलब यील्ड लोड से कम होगी। और वही मैंने लिखा कि स्ट्रेसेस इन लॉन्गर रॉड विल बी बिलो द यील्ड स्ट्रेस, मतलब जो एक्सट्रीम एंड्स पे रॉड हैं उनके अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस से कम होगी, क्लियर। अब P2 बार पे जो लोड है उसकी वैल्यू है सिग्मा वाई इंटू ए, तो फिर अब इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो P1 की वैल्यू मिल गई, P1 इज इक्वल टू आया कि सिग्मा वाई इंटू ए, क्लियर। अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से कि 2P1 प्लस P2 इज इक्वल टू P होता है, क्लियर। तो अब इन दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए तो आपको लोड की वैल्यू पता चल जाएगी जब इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट यील्ड आया, मतलब यील्ड लोड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज को पुट किया तो आपको पी वाई मिला और पी वाई इज इक्वल टू आया सिग्मा वाई इंटू ए और टू के प्लस वन, ठीक, दिस इज द वैल्यू ऑफ यील्ड लोड, यहाँ तक क्लियर। अब जब मुझे यील्ड लोड पता चल गया तो फिर इस सिस्टम के अंदर कितना डिफ्लेक्शन है उसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि यील्ड लोड के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन होगा
इलॉन्गेशन होगा उसे मैंने डेल्टा वाई बोल दिया। क्लियर? अब आप चाहें तो इस रॉड के अंदर डिफ्लेक्शन देख लीजिए, चाहे इस रॉड के अंदर देखिए, चाहे इस रॉड के अंदर, तीनों के अंदर डिफ्लेक्शन की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि कंपेटिबिलिटी ऑफ डिफ्लेक्शन बोलिए या इस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए, तीनों बार्स के अंदर डिफ्लेक्शन सेम होगा। ठीक, अब डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए मुझे पता है क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस बाय ई करिए तो आपको स्ट्रेन मिल जाएगा, और उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। तो फिर डेल्टा वाई इसे बोलते हैं क्योंकि यील्ड डिफ्लेक्शन है, तो मैंने यहाँ पे डेल्टा वाई बोला और इसको लिखा पी टू, मतलब इस बार के लिए लिख रहे हैं तो पी टू इंटू इसकी लेंथ अपॉन ए, तो पी टू के एल अपॉन ए। अब इस वैल्यू इसको पुट कर दीजिए तो फिर फाइनली जो डेल्टा वाई की वैल्यू आई वह आ गई सिग्मा वाई के एल अपॉन ए। ठीक है, अब अगर आप इस लॉन्गर रॉड से कैलकुलेट करना चाहते हैं डिफ्लेक्शन, तो फिर उसको भी मैंने लिख दिया कि उसको भी मैं डेल्टा वाई बोल देता हूँ। क्यों? भले ही उस बार के अंदर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से कम है, लेकिन इस पूरे सिस्टम में एक पॉइंट पे स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई, मतलब इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो भी यील्ड लोड के करस्पॉन्ड ही माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा पी वन इंटू एल अपॉन ए, वो लिख दिया मैंने। पी वन की वैल्यू इसको पुट कर दीजिए यहाँ से। ठीक है, जब पी वन की वैल्यू को पुट किया तो फाइनल आंसर जो आया डेल्टा वाई वो आया सिग्मा वाई के एल अपॉन ए। ठीक, सीधी सी बात ये है कि दोनों ही बार के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा वो सेम होगा। क्लियर? केस टू के सेकेंड पार्ट में हम प्लास्टिक एनालिसिस को और डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है ये प्लास्टिक स्टेज के करस्पॉन्डिंग है। अब जब हम स्ट्रक्चर के ऊपर लोड को इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड यील्ड पॉइंट, कि जब इस स्ट्रक्चर में किसी एक पॉइंट पे यील्ड स्ट्रेस आ गई, उसके बाद भी अब जब लोड इंक्रीज करते हैं तो अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो आउटर रॉड्स हैं ये अभी और लोड ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि एज द लोड पी इज इंक्रीज्ड फर्दर आफ्टर द सेंट्रल रॉड यील्ड्स, अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो डज नॉट ऑकर। क्यों नहीं होता? बिकॉज द लॉन्गर रॉड्स आर स्टिल विद इन इलास्टिक रेंज एंड कंटिन्यू टू टेक मोर लोड, कि जो आउटर रॉड हैं ये अभी भी इलास्टिक रेंज में ही हैं, इनके अंदर स्ट्रेस अभी यील्ड स्ट्रेस पे नहीं पहुंची, मतलब ये अभी और लोड ले सकते हैं। ठीक है, अब जब तीनों बार्स के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है, तब इस सिस्टम में अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट होता है। ठीक, और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि व्हेन द आउटर टू बार्स ऑल्सो स्टार्ट यील्डिंग, अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस। मतलब जब तीनों बार के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई, तब अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर? और उस टाइम पे या उस स्टेज के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उसे मैंने बोला कि वो पी यू होगा। पी यू मतलब अल्टीमेट लोड। अब अल्टीमेट लोड की वैल्यू होगी कितनी? तो देखिए, मैंने कहा कि ये जो तीनों रॉड हैं इनके अंदर जो लोड की वैल्यू है वो किसके बराबर है? सिग्मा वाई इंटू ए। इधर भी सिग्मा वाई इंटू ए और इधर भी सिग्मा वाई इंटू ए। मतलब पी यू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर हो जाएगी। क्लियर? और ये जो पी यू है इसे लिमिट ऑफ यूजफुलनेस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसी स्टेज तक मटेरियल यूजफुल होता है और उसके बाद इसके बाद अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। देखिए, मैं इसको अभी आपको ग्राफ से भी बताता हूँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है ये लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन है, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ नहीं है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अब जब हम लोड को इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड यील्ड पॉइंट, तो क्या होगा कि ये जो आउटर बार्स हैं वो और लोड लेती हैं, और जब तक वो लोड लेती जाती हैं बार्स, जब तक के उन बार्स के अंदर भी स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर ना हो जाए। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा पी वाई। ये पी वाई किसके करस्पॉन्डिंग है? जब इस सिस्टम में फर्स्ट यील्ड आया था
और जब तीनों बार के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई, उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड है वो पीयू है। क्लियर? तो पीयू पीवाई से ज़्यादा होगा, और पी वाई के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन था वो वैल्यू कितनी थी? डेल्टा वाई। और पी यू के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन है उसे मैंने डेल्टा यू बोला। अब ये डेल्टा यू कैलकुलेट कैसे होगा? मैंने यहाँ पे लिखा कि डिफ्लेक्शन व्हेन द अल्टीमेट लोड इज रीच्ड, कि जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर लोड की वैल्यू पी यू के बराबर हो गई तब जो डिफ्लेक्शन होगा उसे मैंने डेल्टा यू बोला। और डेल्टा यू इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू एल अपॉन ई। क्लियर? मीन्स डेल्टा यू कैलकुलेट करना है तो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये डेल्टा वाई से कितना अलग है? जब आपने डेल्टा वाई कैलकुलेट किया था, अभी मैंने आपको बताया था, तो डेल्टा वाई की जो वैल्यू आई थी वो सिग्मा वाई के एल अपॉन ई आया था। मतलब जो डेल्टा वाई है वो कितना कम है? वो के टाइम्स कम है। ठीक, इसलिए मैंने लिखा कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू के, और वहाँ पे जो वैल्यू थी उसको मैंने डेल्टा यू से रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया। ठीक, बस ये ध्यान रखना कि के इज़ लेस देन वन है, मतलब डेल्टा यू की वैल्यू ज़्यादा है डेल्टा वाई से। ठीक, और वो इस ग्राफ से भी आपको दिखता है। और मैंने कहा था कि जैसे ही लोड की वैल्यू पी यू के बराबर होती है इस स्ट्रक्चर में तो अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए इसके बाद डिफ्लेक्शन, देखिए लोड नहीं ले रहा स्ट्रक्चर लेकिन डिफ्लेक्शन बढ़ता जा रहा है, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है या स्ट्रक्चर आपके काम का नहीं रहता, और इसलिए मैंने लिखा था उसको कि वो लिमिट ऑफ यूजफुलनेस कहलाती है। क्लियर? अब इस स्ट्रक्चर के तीन एसेंशियल कंडीशंस हैं वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा कि थ्री एसेंशियल फीचर्स ऑफ द अबव प्लास्टिक एनालिसिस, कि इस प्लास्टिक एनालिसिस के तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखना, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखिए, ईच बार रीच्ड एट ए प्लास्टिक यील्ड कंडीशन, कि तीनों बार के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर होना चाहिए। ठीक, सेकेंड पॉइंट, इक्विलिब्रियम कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड एट द अल्टीमेट लोड, कि अल्टीमेट लोड पे भी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए और वो हो भी रही है। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ये पी जब पी यू के बराबर होगा तो फिर यहाँ पे जो स्ट्रेस होंगी वो किसके बराबर होंगी? इसके अंदर स्ट्रेस सिग्मा वाई, इसमें सिग्मा वाई, इसमें सिग्मा वाई। ठीक है, मतलब लोड जो हो गया वो सिग्मा वाई इंटू ए, सिग्मा वाई इंटू ए और सिग्मा वाई इंटू ए। क्लियर? वो देखिए वहाँ पे लिखा कि पी यू इज इक्वल टू थ्री टाइम्स सिग्मा वाई इंटू ए, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन इस अल्टीमेट लोड पे भी सेटिस्फाई करती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, एक लास्ट कंडीशन देखिए कि अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो ऑकर्स एट अल्टीमेट लोड, कि अल्टीमेट लोड पे अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। ठीक, अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है मतलब स्ट्रेन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है, वो इस ग्राफ से भी आपको पता चलता है। क्लियर? अब हम केस थ्री में फ्रेम कंसिस्टिंग ऑफ थ्री बार को और डिस्कस करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये थ्री बार सिस्टम बनाया, इसमें ओ ए, ओ बी एंड ओ सी, ये तीनों बार एक कॉमन पॉइंट ओ पे मीट करती है। ठीक, और ए बी और सी जो एंड्स हैं वो हिन सपोर्टेड हैं, इन तीनों बार का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, और ये ओ ए और ओ सी बार वर्टिकल बार से एक इक्वल एंगल पे इंक्लाइंड है, मतलब ये दोनों एंगल थीटा है। ठीक है, इसलिए इस बार की लेंथ, ओ बी बार की लेंथ मैंने एल वन बोल दी, तो ओ ए और ओ सी बार की लेंथ इक्वल होगी और विच इज इक्वल टू एल टू। क्लियर? अब हम इस सिस्टम के ऊपर एक लोड अप्लाई करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैंने एक लोड को पी को ओ पॉइंट पे अप्लाई किया। अब जब ये लोड पी को आप इंक्रीज करते हैं तो इस सिस्टम में कुछ डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन जो हुआ वो ओ से ओ डैश हो गया। क्लियर? अब इसलिए मैंने ये जो डॉटेड लाइन से शो किया है इसको लिख दिया कि डिफॉर्म्ड शेप ऑफ द स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब इस ओ ए लेंथ में जो चेंज इन लेंथ है, ओ ए बोलिए या ओ सी बोलिए, उसकी वैल्यू मैंने बोल दी ये डेल्टा टू है, और ये जो ओ बी लेंथ है इसमें जो चेंज इन लेंथ है वर्टिकल डायरेक्शन में जो चेंज इन लेंथ है ओ ओ डैश की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा वन है।
क्लियर। अब हम इस सिस्टम पे प्लास्टिक एनालिसिस करने के पहले सबसे पहले हम इलास्टिक एनालिसिस की बात करते हैं कि इस सिस्टम पे लोड कैरिंग कैपेसिटी इलास्टिक लिमिट तक कितनी होगी, और उसके बाद जब हम प्लास्टिक एनालिसिस करेंगे तो फिर इस सिस्टम के लिए अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट की बात की और लिखा इलास्टिक एनालिसिस। अब इसके ऊपर हमने एक लोड पी अप्लाई किया, वो भी लिख दिया मैंने, लेट ए वर्टिकल लोड पी बी अप्लाइड एट पॉइंट ओ। ठीक है, अब हम स्टैटिक्स के इक्वेशन से जानते हैं, या वर्टिकल डायरेक्शन में अगर मैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करूं तो क्या होगा, अपवर्ड लोड इज इक्वल टू डाउनवर्ड लोड। तो यहाँ पे ये फोर्स पी जो लग रहा है वो फोर्स पी किसके बराबर होगा, ये पी वन फोर्स प्लस इस P2 फोर्स को इधर रिजोल्व कर दीजिए और इस P2 फोर्स को भी वर्टिकल डायरेक्शन में रिजोल्व कर लीजिए। तो क्या होगा, P2 cos थीटा आ जाएगा कंपोनेंट, और इस P2 का वर्टिकल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो भी P2 cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रॉम स्टैटिक्स हम लिख सकते हैं क्या कि P1 plus 2P2 cos थीटा इज इक्वल टू P, दिस इज इक्वेशन वन। ये मैंने इक्वेशन वन बोल दी। ठीक, अब हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है। ठीक, दिस स्ट्रक्चर इज स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट टू वन डिग्री। ठीक, ये इनडिटर्मिनेसी को अगर आपको देखना है तो मैंने कई सारे वीडियोज इस पर बना रखे हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। बस अभी तो ये याद रखिए कि ये स्ट्रक्चर एक डिग्री का स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, तो हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए। ठीक, अब वो एक्स्ट्रा इक्वेशन कहाँ से मिलेगी उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम द कंपेटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन, के डिफॉर्मेशन की कंपेटिबिलिटी के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगी वो देखिए। तो मैंने वहाँ पे लिखा कि डेल्टा टू, ये जो डेल्टा टू है वो किसके बराबर होगा, तो देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे इस ट्रायंगल से ओ ओ डैश और ये पॉइंट, इस ट्रायंगल से हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, वो मैंने लिखा कि डेल्टा टू इज डेल्टा टू बाई डेल्टा वन इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, तो इक्वेशन आ गई कि डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा वन कॉस थीटा। क्लियर, अब इस ओ बी बार के अंदर जो इलॉन्गेशन होगा वो कितना होगा वो हम लिख सकते हैं, वो कैसे लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ फोर्स। तो वो लिखा इसमें फोर्स और इसकी बार की लेंथ। ठीक है, उसी तरह से इसके अंदर भी लिख सकते हैं, तो क्या लिखा आपने कि P1 L1 अपॉन A, तो इन दोनों वैल्यूज मतलब डेल्टा 2 और डेल्टा 1 की वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो फिर आपके पास में वो इक्वेशन आ गई। ठीक, इक्वेशन क्या आई ये, अब यहाँ से A को कैंसिल कर दीजिए। अब जिस तरह से आपने डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के बीच में एक इक्वेशन बनाई उसी तरह से L1 और L2 के बीच में बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि इस ट्राइंगल ओ ओ ए बी के अंदर ये एंगल थीटा, ये लेंथ L1, ये L2, तो फिर यहां पे हम लिख सकते हैं कि L1 by L2 is equal to cos थीटा। क्लियर, तो अब इस वैल्यू को यहां पे अगर पुट कर दूं, ठीक है, तो ये आ गया, यहां पे मैंने लिखा P2 by P1 और L1 by L2 cos थीटा, ये आ गया, और यहां से इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो P2 upon P1 is equal to cos square थीटा। मतलब P1 और P2 के बीच में एक रिलेशन आ गई, और वो रिलेशन क्या है कि P2 is equal to P1 cos square theta। क्लियर, और इसको इक्वेशन को मैंने 2 बोल दिया। ठीक, अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1। अब इस P2 is equal to P1 cos square theta को यहाँ पुट कर दीजिए। ठीक है, इसमें जब पुट करोगे और P1 को बाहर निकालोगे तो फिर क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू P हो गया। अब तो P1 इज इक्वल टू होगा P अपॉन 1 प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, ये आ गया, यहां तक क्लियर। अब इस P1 की वैल्यू को आप जब यहां पे पुट करोगे तो P2 इज इक्वल टू होगा P कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा। क्लियर, मतलब P1 और P2 मिल जाएंगे जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे। अब मुझे पता है थीटा की कोई भी वैल्यू हो कॉस थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, वो मैंने लिखा, तो फिर जब कॉस थीटा हमेशा एक से कम होगा तो फिर P1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन P2 होगा।
ठीक है। अब पी वन हमेशा पी टू से ज़्यादा हो तो फिर क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इस स्ट्रक्चर के ऊपर लोड पी को अप्लाई करेंगे तो फिर ये जो सेंट्रल बार है ओ बी, इसके अंदर लोड ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा इन इंक्लाइंड बार्स के कंपैरिजन में, ठीक है। मतलब ये जो सेंट्रल बार है इसके अंदर सबसे पहले स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस पे आएगी, क्लियर। और जैसे ही इस बार के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर होगी, हम बोल देंगे कि इलास्टिक लिमिट ख़त्म हो गई। और इलास्टिक लिमिट ख़त्म होने का मतलब है स्ट्रक्चर का यील्ड करना, ठीक। अब इसीलिए मैंने लिखा कि एट द यील्ड कंडीशन द फोर्स P1 इन द सेंट्रल बार OB विल बी इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए, कि जैसे स्ट्रक्चर यील्ड पे आया तो सेंट्रल बार में जो फोर्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी P1 इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए, वो लिख दिया मैंने, ठीक। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा वाई इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। तो P1 और P2 की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही ये स्ट्रक्चर यील्ड किया तो फिर उस टाइम पे जो लोड होगा उसे मैंने यील्ड लोड बोल दिया, ठीक। बस ये ध्यान रखिएगा कि स्ट्रक्चर में किसी भी पॉइंट पे जैसे ही स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर होती है आती है, उस टाइम पे स्ट्रक्चर के ऊपर जो लोड होता है उसे मैं यील्ड लोड बोलता हूँ, ठीक है। तो अब यील्ड लोड कितना होगा, यहाँ पे मैंने लिखा कि यील्ड लोड पी वाई इज इक्वल टू, ये पी वन और पी टू वैल्यूज को पुट कर दीजिए, ठीक है। मतलब पी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा वाई इंटू ए वन प्लस टू कॉस क्यूब थीटा, ठीक। ये वैल्यूज को पुट कर दीजिए, यहाँ से कॉमन निकाल दिया तो ये इक्वेशन आ गई, यहाँ तक क्लियर। अब ये ध्यान रखना कि जो मैंने केस टू में डिस्कस किया था उसमें जो पी वाई की वैल्यू आई थी वो वैल्यू आई थी सिग्मा वाई इंटू ए वन प्लस टू के, ठीक। वहाँ पे के एक फ्रैक्शन था, एक फैक्टर से मैंने रिप्रेजेंट किया था। मैंने कहा था कि जो एंड्स पर रॉड हैं उनकी लेंथ अगर एल है तो जो सेंट्रल रॉड थी, स्मॉलर रॉड थी, उसकी लेंथ मैंने के एल बोला था, मतलब के इज लेस देन वन था। अब यहाँ पे जो के करस्पॉन्डिंग टर्म है वो कितना है, कॉस क्यूब थीटा, क्लियर। यहाँ पे ये जो बार्स हैं ये इंक्लाइंड है, थीटा एंगल पे हैं, वहाँ पे एक रॉड की लेंथ एल थी तो जो मिडिल रॉड थी जिसकी लेंथ कम थी उसे मैंने के एल बोला था, ठीक। सीधी बात ये कि वहाँ पे पी वाई और इधर के पी वाई में जो डिफरेंस है वो कितना है, वहाँ पे सिग्मा वाई इंटू ए वन प्लस टू के होता था, यहाँ पे सिग्मा वाई इंटू ए और ब्रैकेट के अंदर वन प्लस टू कॉस क्यूब थीटा है, ठीक है। सीधी बात ये है कि के को आपने कॉस क्यूब थीटा से रिप्लेस कर दिया इस पर्टिकुलर केस के लिए, क्लियर। अब जब इस सिस्टम के ऊपर यील्ड लोड आया तो उसके करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है। तो वो डिफ्लेक्शन हम और कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इलोंगेशन इन सेंट्रल बार OB, तो इस OB बार के अंदर जो डिफ्लेक्शन है उसे मैं लिख सकता हूँ स्ट्रेस बाय E इंटू चेंज इंटू लेंथ, तो आपको चेंज लेंथ मिल जाएगा। तो चलिए इस OB बार के अंदर जो फोर्स P है वो P1 है, इस OB बार के अंदर जो फोर्स है वो P1, ठीक। और वो किसके करस्पॉन्डिंग है, तब जब इसके अंदर स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा वाई है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखा कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू एल वन इस बार की लेंथ अपॉन ई, मतलब इलोंगेशन जो होगा इस ओ बी बार के अंदर, जिसे आप यील्ड डिफ्लेक्शन बोलेंगे या यील्ड इलोंगेशन बोलेंगे, क्योंकि ये यील्ड लोड के करस्पॉन्डिंग है, विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू एल वन अपॉन ई, क्लियर। अब हम इस स्ट्रक्चर का प्लास्टिक एनालिसिस और करते हैं। तो देखिए जब सेंट्रल रॉड के अंदर लोड P1 की वैल्यू सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर हो गई, उसके बाद ये स्ट्रक्चर कॉलेप्स नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो आउटर बार्स हैं वो और लोड लेने लगती हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी है When the load P1 in the central rod reaches a value sigma y into A, the structure does not collapse but continue to take more load.
कि ये स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करेगा और लोड लेगा। वो कब तक लेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, व्हेन द एक्सटर्नल लोड इज इंक्रीज्ड अबव पी वाई, कि जब एक्सटर्नल लोड को हम पी वाई से आगे बढ़ाते हैं, ठीक, मतलब जब सेंट्रल बार के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू सिग्मा वाई हुई, उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड था वो पी वाई था, उस पी वाई के बियॉन्ड जब आप लोड अप्लाई करते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो फिर क्या होगा, वो मैंने लिखा, द फोर्स इन द सेंट्रल बार रिमेन कॉन्स्टेंट, कि सेंट्रल बार के अंदर जो फोर्स होता है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है और उसकी वैल्यू सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर हो जाती है, और जो आउटर बार्स हैं मतलब ओ सी एंड ओ ए, इन बार के अंदर क्या होता है उसकी बात करते हैं, इनके अंदर फोर्स पी टू है। तो मैंने कहा वाइल द फोर्स पी टू इंक्रीजेस फर्दर, और कब तक इंक्रीज होगा, अभी जब इलास्टिक स्टेज की बात की थी मैंने, तो फिर इलास्टिक स्टेज जब ख़त्म हुई थी तब इन जो ये आउटर बार थी इनके अंदर जो फोर्स की वैल्यू थी वो थी सिग्मा वाई इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो फिर अब यहाँ से इंक्रीज होगा लोड, और कहाँ तक जाएगा, इन बार्स के अंदर, जब तक के इन बार्स के अंदर फोर्स की वैल्यू सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर ना हो जाए। तो मैंने लिखा वाइल द फोर्स पी टू इंक्रीजेस फर्दर फ्रॉम सिग्मा वाई इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा टू सिग्मा वाई इंटू ए, क्लियर, कब तक, टिल द बार्स ओ ए एंड ओ सी रीचेज द यील्ड पॉइंट, जब इन दोनों बार्स के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि वो यील्ड स्टेज में आ गई, ठीक है। मतलब जब तीनों बार यील्ड हो जाएंगी, तीनों बार के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो जाएगी तो हम बोल देंगे कि प्लास्टिक स्टेज आ गई, और प्लास्टिक स्टेज आने का मतलब है कि अब अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेज पे जो पी वन और पी टू की वैल्यू होगी वो दोनों इक्वल होंगी और उनकी वैल्यू होगी सिग्मा वाई इंटू ए, क्लियर। अब जब मैंने कहा कि तीनों बार्स के अंदर स्ट्रेस की वैल्यू यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई तो प्लास्टिक स्टेज आ गई, और इसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा जिसे आप कोलैप्स लोड बोलोगे या अल्टीमेट लोड बोलोगे उसकी वैल्यू होगी कितनी, पी यू इज इक्वल टू पी वन प्लस टू पी टू कॉस थीटा। देखिए ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, आपने अभी कैलकुलेट की थी और ये अभी भी वैलिड है। मैंने कहा था कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन वो इलास्टिक स्टेज में भी वैलिड होती है और प्लास्टिक स्टेज में भी पूरी तरह वैलिड होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पी वन और पी टू की वैल्यू को पुट कर दिया, तो फिर यहाँ से जो पी यू की वैल्यू आई विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई इंटू ए ब्रैकेट के अंदर वन प्लस टू कॉस थीटा, पी वाई की जो वैल्यू थी वो थी सिग्मा वाई इंटू ए वन प्लस टू कॉस क्यूब थीटा थी, यहाँ पे कॉस थीटा है, मतलब ये वैल्यू उससे ज़्यादा है और ज़्यादा होगी भी, ठीक है। और इसीलिए इसको मैंने बोला कि ये अल्टीमेट लोड को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर। अब आगे चलते हैं और अल्टीमेट लोड के करस्पॉन्डिंग इस सिस्टम में डिफ्लेक्शन कितना होगा, ठीक है। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा व्हेन ऑल द थ्री बार्स हैव रीच्ड द प्लास्टिक स्टेज, जब तीनों बार प्लास्टिक स्टेज में आ गई तो फिर क्या होगा। अब देखिए जब तीनों बार के अंदर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस के बराबर हो गई तो फिर हम अब इन बार के अंदर पहले इलोंगेशन कैलकुलेट करते हैं और फिर सेंट्रल बार में निकालेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए सेंट्रल बार में हुक्स लॉ वैलिड नहीं रहा अब आफ्टर यील्ड पॉइंट, हुक्स लॉ वैलिड नहीं है, मतलब हम जो डेल्टा का फॉर्मूला आप लिखते थे पी एल अपॉन ए से जो आप कैलकुलेट करते थे वो वैलिड नहीं है अब, ठीक, क्योंकि हुक्स लॉ वैलिड नहीं है। लेकिन इस बार के अंदर ओ सी और ओ ए इनके अंदर हुक्स लॉ वैलिड है, कब तक, जब तक इनके अंदर यील्ड नहीं आया था, ठीक है, क्योंकि सब इन दोनों के अंदर सबसे लास्ट में यील्ड आया, तो फिर हम हुक्स लॉ के बेसिस पे इन बार्स के अंदर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेल्टा टू कैलकुलेट किया, तो डेल्टा टू इज इक्वल टू होगा सिग्मा वाई एल टू अपॉन ई, क्लियर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हुक्स लॉ वैलिड है, मतलब इसके अंदर जो एलोंगेशन है वो यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो जाएगा। अब जब मुझे डेल्टा टू की वैल्यू मिल गई तो हमें ये पता है कि
डेल्टा टू इज इक्वल टू डेल्टा वन इंटू कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो मैंने इसको डेल्टा वन लिख लिया है यहाँ पे, और ये जो डेल्टा वन है यही डेल यू के बराबर होगा। मतलब डेल्टा वन जो है वो अल्टीमेट लोड के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन होगा उसको रिप्रेजेंट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा डेल यू इज इक्वल टू डेल्टा टू अपॉन कॉस थीटा, डेल्टा टू की वैल्यू को पुट कर दीजिए और फाइनल जो फॉर्मूला आया वो ये आ गया। अब इस इक्वेशन में L2 की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो L2 इज इक्वल टू होता है L1 बाय कॉस थीटा, तो फिर जो आपको डेल U की वैल्यू आई विच इज इक्वल टू सिग्मा वाई L1 अपॉन E sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, वो लिखा है। अब मुझे पता है कि डेल Y जो था वो था सिग्मा वाई L1 अपॉन E, तो फिर अगर मैं इस क्वांटिटी की जगह अगर डेल Y रख दूं तो फिर मुझे डेल यू और डेल वाई के बीच में एक रिलेशन मिल जाएगी, और वो रिलेशन क्या होगी, डेल यू इज इक्वल टू डेल वाई सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब ये जो बार्स हैं ओ ए और ओ सी, ये जिस एंगल थीटा पे हैं उस थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री हो जाए, ठीक, तो 45 डिग्री के करस्पॉन्डिंग जो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी। तो मैंने इसको पुट कर दिया यहाँ पे, तो फिर डेल यू इज इक्वल टू हुआ 2 टाइम्स डेल वाई, मतलब एट द टाइम ऑफ प्लास्टिक स्टेज, मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट होने के जस्ट पहले इस स्ट्रक्चर के अंदर जो डिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू 2 टाइम्स होगी किसके किससे, जब इलास्टिक स्टेज खत्म हुई थी, मतलब जब इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट ईल्ड आया था उस टाइम पे जो डिफ्लेक्शन था उससे डबल होगी, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी स्ट्रक्चर का एनालिसिस मैं इलास्टिक थ्योरी की जगह प्लास्टिक थ्योरी से करूं तो परसेंटेज सेविंग कितनी होगी मटेरियल में, हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा सेविंग अचीव्ड बाय डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू द प्लास्टिक थ्योरी इंस्टेड ऑफ इलास्टिक थ्योरी, कि अगर मैं इलास्टिक थ्योरी के की जगह प्लास्टिक थ्योरी से एनालिसिस करूं या डिज़ाइन करूं तो मटेरियल में कितने परसेंट का सेविंग होती है, उसको मैंने इस फॉर्मूले से दिखाने की कोशिश की। मुझे पता है कि प्लास्टिक थ्योरी से हमें इकोनॉमिकल डिज़ाइन मिलती है, लेकिन उसको क्वांटिटेटिव टर्म में अगर मुझे बताना हो तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक। परसेंटेज सेविंग इज इक्वल टू 1 माइनस एरिया बाय प्लास्टिक थ्योरी अपॉन एरिया बाय इलास्टिक थ्योरी इनटू 100 कर लीजिएगा। तो आपको किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर जो परसेंटेज सेविंग ऑफ मटेरियल होगा वो पता चल जाएगा, ठीक। अब इस पर्टिकुलर केस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए मुझे पी यू की वैल्यू पता है कि पी यू इज इक्वल टू होता था सिग्मा वाई इंटू ए ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और उसी तरह से हम पी वाई की वैल्यू जानते हैं कि पी वाई इज इक्वल टू होता था सिग्मा वाई इंटू ए और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है। अब इन दोनों फॉर्मूले से मैं अगर एरिया की वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ तो फिर फाइनली जो मुझे फॉर्मूला मिलेगा इस परसेंटेज सेविंग का वो ये मिल जाएगा, क्लियर। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे हम इस पर्टिकुलर केस के लिए डायरेक्टली परसेंटेज सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 रख दूँ तो फिर आपको जो परसेंटेज सेविंग मिलेगी वो 29% के आसपास कुछ मिल जाएगी, क्लियर। आप करके देख लीजिएगा, यहाँ तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, और इस केस के लिए मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि अगर मैं लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ प्लॉट करूँ तो फिर वो क्या प्रेडिक्ट करता है उसके बारे में बताते हैं, बात करते हैं। तो देखिए अगर मैं इसके ऊपर अप्लाइड लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ प्लॉट करूँ तो कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा, ठीक है। मतलब हम जैसे जैसे लोड अप्लाई करेंगे वैसे वैसे इस स्ट्रक्चर पे लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन एक लीनियर रिलेशनशिप मिलती है इस पॉइंट तक, ठीक। किस पॉइंट तक, जब तक के इस स्ट्रक्चर के अंदर फर्स्ट ईल्ड ना आ जाए, ठीक, और उसके करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उसे मैंने पी वाई बोला, ये पी वाई बोल दिया, ठीक है। और इस पी वाई के करस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन जो होगा जिसे आप ईल्ड डिफ्लेक्शन बोलते हैं उसकी वैल्यू होगी सिग्मा वाई एल वन अपॉन ई, क्लियर। अब
इसके बियॉन्ड अगर लोड मैं अप्लाई करूँ, मतलब यील्ड लोड के बियॉन्ड हम जब लोड अप्लाई करते हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर, तो फिर हमें जो ग्राफ मिलेगा वो डी ई कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि इस ई पॉइंट पे ये जो सिस्टम है ये प्लास्टिक स्टेज में चला जाएगा। प्लास्टिक स्टेज में चला जाएगा इसका मतलब है कि इन तीनों बार के अंदर जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो यील्ड स्ट्रेस पे आ जाएगी, ठीक है। और इस ई पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो लोड होगा उसे मैंने पी यू बोला, जिसे हम अल्टीमेट लोड बोलते हैं। और इस अल्टीमेट लोड के करस्पॉन्डिंग जो डिफ्लेक्शन होगा उसकी वैल्यू होगी सिग्मा वाई एल वन अपॉन ई सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? मतलब ये जो ग्राफ है ये लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है इस केस के लिए। क्लियर? अब एक बात और करते हैं, क्या कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर लोड ग्रेजुअली अप्लाई करूं, तो फिर ये जो बार्स हैं तीनों, इन बार के अंदर लोड किस तरह से वेरी करता है उसकी बात और करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक ये ग्राफ प्लॉट किया और इस ग्राफ में जैसे जैसे हम लोड पी की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो फिर ये जो बार्स हैं ओ बी ओ ए और ओ सी, इनके अंदर लोड किस तरह से चेंज होता है उसको दिखाने की कोशिश की है मैंने। यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे लोड आपने पी इंक्रीज किया तो फिर ये जो ओ बी मेंबर है या ओ बी बार है इसके अंदर लोड ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करेगा कंपेयर टू ओ सी और ओ ए बार के कंपेरिजन में। देखिए, उसको मैंने इस ग्राफ से शो करने की कोशिश की। इस लाइन का जो स्लोप है वो कम है इसके कंपेरिजन में, ठीक है। इसका मतलब है कि ओ बी बार के अंदर जो लोड इंक्रीज होगा वो ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे आप लोड इंक्रीज करोगे तो फिर एक यील्ड स्टेज आएगी। एक यील्ड स्टेज आएगी मतलब उस टाइम पे जो सेंट्रल बार है उसके अंदर जो लोड की वैल्यू होगी वो सिग्मा वाई इंटू ए होगी, ठीक है। और इस P1 लोड के करस्पॉन्डिंग, इस P1 लोड के करस्पॉन्डिंग ये जो दो एक्सट्रीम बार्स हैं इनके अंदर लोड जो P2 है उसकी वैल्यू होगी सिग्मा वाई इंटू ए कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? ये P1 के करस्पॉन्डिंग लोड है क्योंकि P1 तो यील्ड पे आ गया लेकिन P2 अभी यील्ड पे नहीं आया, ठीक, उसकी वैल्यू कम है। क्लियर? अब इधर तक के जो डिफ्लेक्शन है उसे मैंने बोला इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ तक क्लियर? और ये जो एक्स एक्सिस है इस पे को पे क्या मैंने रिप्रेजेंट किया, इस पे अप्लाइड लोड अपॉन ये जो सेंट्रल बार है इसमें जो लोड है P1 उसका रेशो है ये, मतलब अप्लाइड लोड अपॉन P1 का रेशो को मैंने इस एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है, ठीक। अब इस यील्ड लोड के बियॉन्ड अगर मैं लोड अप्लाई करूँ तो फिर क्या होगा, तो फिर ये स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करेगा, ठीक। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो ओ बी बार है इसके अंदर लोड इंक्रीज नहीं होगा, ठीक। उसको मैंने ई एफ लाइन से दिखाने की कोशिश की है। और जो ये एक्सट्रीम बार्स हैं इन बार्स के ऊपर अभी लोड यील्ड लोड से कम है, मतलब ये और लोड लेती जाएंगी ये रॉड्स। और कब तक लेंगी? देखिए, उसको मैंने डी एफ लाइन से शो किया। और कब तक लेंगी? जब तक ये एफ पॉइंट ना आ जाए। एफ पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि तीनों बार्स के ऊपर लोड की वैल्यू यील्ड लोड के बराबर हो गई, मतलब सिग्मा वाई इंटू ए के बराबर हो गई, ठीक। अब इस पॉइंट एफ पे मटेरियल के अंदर अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि इस पॉइंट एफ के बाद जो कर्व है वो अनरिस्ट्रिक्टेड प्लास्टिक फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो ई एफ लाइन है और डी एफ लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं? ये कंटेंट प्लास्टिक फ्लो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आज हमने इन तीन केसेस का इलास्टिक और प्लास्टिक एनालिसिस किस तरह से किया जाता है उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब प्लास्टिक एनालिसिस के फोर्थ पार्ट में, हम ये जो तीन केस हमने आज डिस्कस किए इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल किस तरह से किए जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।